चलिए दोस्तों, हम लोग PSS 32 की बात करते हैं। PSS 32 में टोटल 40 स्लॉट होते हैं, ठीक है। ये 40 स्लॉट कहाँ कहाँ पे होते हैं ये चीज़ मैं देखता हूँ, ठीक है। वन नंबर ये सब देखिए इस तरह का लिखा हुआ रहेगा स्लॉट में, तो ये मुझे स्लॉट रहा, यानी टोटल हमारा ये 36 तो हमारा फ्रंट में रहता है, फ्रंट में फ्रंट व्यू में हमारे 36 स्लॉट होते हैं, ठीक है। और जो कि मिनरी और रेरर जो होते हैं, रेरर व्यू जिसको हम बोलेंगे, वो हमारे रहते हैं 40, मतलब 4 रेयर व्यू में 4 स्लॉट होते हैं और फ्रंट व्यू में 36 स्लॉट होते हैं, यानी टोटल हमारे 40 स्लॉट हुए। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यूनिवर्सल स्लॉट बात करें, जैसे कि यूनिवर्सल स्लॉट आपका ये और ये के बीच में जितने स्लॉट हुए, ठीक है, तो वो हमारे यूनिवर्सल स्लॉट होते हैं। कहने का मतलब यूनिवर्सल स्लॉट हमारे 32 हो गए, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल स्लॉट हो गया। अब देखिए हम लोग वन नंबर पे और 18 नंबर पे इसी कार्ड लगाते हैं, ठीक है, ये फिक्स होता है। 19 नंबर और 36 नंबर पे पावर फिल्टर कार्ड लगाते हैं, ये भी फिक्स होता है, ठीक है, ये कार्ड। और हम 37 नंबर पे फैन लगाते हैं। अब ये सिचुएशन के अनुसार हम लोग लगाते हैं कितना फैन लगना है, ठीक है, तीन फेस तो जनरली लगाते हैं। 38 नंबर और 39 में हम लोग क्लेम्प लगाते हैं और 40 में यूजर पैनल रहता है, ये 32 में होता है स्लॉट। अब ये चीज़ हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो कार्ड की बात है वो कार्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। अब ये कार्ड जो है देखिए यहाँ पे इसी कार्ड है, तो इसी कार्ड हम लोग दो इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि अगर एक इसी कार्ड ख़राब हो जाती है तो दूसरे से हमारा काम हो जाए। सेम पावर फिल्टर में भी है कि अगर एक पावर फिल्टर ख़राब हो जाता है तो दूसरा पावर फिल्टर से काम चल जाए, ठीक है। अब इसी कार्ड जो है, अगर हम लोग इसी कार्ड इस सिस्टम से पूरा हटा दें तो इसमें कोई वर्क होगा ही नहीं, ठीक है। इसी कार्ड मेन कार्ड होता है, जो कि सभी कार्ड को कंट्रोलर कार्ड कहते हैं जिसको। अब यहाँ पे हम लोग बात करें AHPSG कार्ड, ये जो AHPSG कार्ड ये एम्पलीफायर कार्ड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एम्पलीफायर हाई पावर हाई गेन, ठीक है। ये एम्पलीफायर कार्ड होता है, एम्पलीफायर करने का मतलब बूस्ट करने का काम करने वाला कार्ड होता है, यानी कि जो सिग्नल को ये बूस्ट कर देता है। अब यहाँ पे ये बूस्ट करने के बाद ये देता है हमारा ये कार्ड को 82325A को, ये भी एक देखिए एम्पलीफायर ही कार्ड है। इसमें क्या होता है कि इसका जो बैंडविड्थ होता है, यानी कि लेमडा बोल सकते हैं, 23 dB होता है या 25 dB होता है, ये भी एम्पलीफायर कार्ड ही है बस इसी तरह। अब यहाँ पे इतना तो हमारा एम्पलीफायर हो रहा है, ये डिपेंड करता है हम लोग साइड के अनुसार कि हम लोग कितना डायरेक्शन में हम लोग को ले जाना है। अगर मान लीजिए हमको मल्टी डायरेक्शन में चार डायरेक्शन में लगाना है तो हमको एम्पलीफायर कार्ड 4 लगाना होगा, ठीक है। दो डायरेक्शन में लगाना है तो एम्पलीफायर कार्ड हम लोग 2 लगाएंगे 32 इसमें। जैसे कि हम PSS 4 में हम लोग यूनिट डायरेक्शन के लिए या दो डायरेक्शन के लिए उपयोग करते थे, तो उसमें अगर दो एम्पलीफायर कार्ड लगाते थे तो 2 डायरेक्शन, और एक एम्पलीफायर लगाते थे तो एक डायरेक्शन के लिए। तो इसी तरह जितना एम्पलीफायर कार्ड इसमें हम लोग लगाएंगे उतना हमारा इसमें डायरेक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग WTOCM कार्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो वेवलेंथ को ट्रैक करने वाला कार्ड होता है, जो कि ट्रैक करता है, ठीक है, ट्रैक करने का कार्ड होता है। अब तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, सेफ्टी का तो आपको पता ही काम है कि ये DWDM का काम करता है, ठीक है, DWDM का काम करने वाला जो SFD है। ये चीज़ हमारा ये चीज़ है, इसके बारे में अच्छे डीपली के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छा से डीपली करेंगे। ये हमारा लेआउट था, इसलिए मैं इसमें उतना जानकारी नहीं दिया हूँ, ओके।